पुराने समय में लोग बगैर जूतों के ही पैदल चलते थे, लेकिन समय के साथ साथ जूते और चप्पल पहनना आम हो गया। दरअसल गंदगी या चोट से बचने के लिए ही पैदल चलने के लिए जूते और चप्पलों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी घास के मैदान में या साफ जमीन पर पैदल चल रहे हैं तो उनकी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि नंगे पांव ही आपको चलना चाहिए, क्योंकि इसके आपको कई ढेरों सारे फायदे होते हैं। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि आप जब भी मंदिर जाते हो तो मंदिर के बाहर ही जूतों को खोल के क्यों अंदर जाया जाता है? हमारे बुजुर्गों से ही हम पुराने समय से ही नंगे पांव ही मंदिर क्यों जाते हैं, क्योंकि दोस्तों नंगे पांव अगर हम मंदिर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उसके हमारे सेहत के लिए ढेरों फायदे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नंगे पांव चलने के क्या फायदे हैं हमारी सेहत के लिए। अगर हम अपनी व्यवस्था से भरे दिन में सिर्फ 15 मिनट भी नंगे पांव जमीन पर चलते हैं या घास पर चलते हैं तो कौन कौन से फायदे होते हैं हमारी सेहत के लिए। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और आप हिमाचली हर्बल में नए हो दोस्तों तो हिमाचली हर्बल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहला फायदा होता है कि दिन भर आप अपने पैर जूते या चप्पलों से पैक रखते हो, ऐसे में नंगे पैर जो होते हैं वो खुली हवा में रहने से पैरों को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, रक्त संचार बेहतर होता है जिससे उसकी थकान या दर्द खत्म होता है। दोस्तों नंगे पैर चलने से दोस्तों आपकी जो सारी मांसपेशियां वो सक्रिय हो जाती हैं जिनका उपयोग जूते चप्पल पहनने के दौरान नहीं होता है, मतलब आपके पैरों के अलावा उसके जुड़े सभी शारीरिक भाग भी सक्रिय हो जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कभी भी आप नंगे पांव पैदल चले हों, थोड़ी देर के लिए कमरे से दूसरे कमरे तक भी चले हों, तो आपको एहसास होता होगा कि आपके जो नंगे पांव हैं उसके हर एक हिस्से में, हर एक मांसपेशी में दबाव बनता है। आपकी पंजे या निचला भाग जो होता है वो सीधे धरती के संपर्क में आता है, तो दोस्तों उससे क्या होता है, वो एक्यूप्रेशर होता है हमारे शरीर के लिए, सभी भागों की एक्सरसाइज हो जाती है और उससे कई तरह की बीमारियों से हमें निजात मिलता है। प्राकृतिक तौर पर क्या होता है, धरती की ऊर्जा पैरों के जरिए आपके पूरे शरीर में संचारित होती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद है, इससे आपको भूमि तत्व संबंधित रोग नहीं होते हैं। तो दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम जैसे दिन भर जूते चप्पल पहनते हैं तो उससे हमें चलने में संतुलन बना रहता है, उससे हम कंफर्टेबली चल पाते हैं, भाग पाते हैं, परंतु नंगे पैर चलना आपके शरीर के सभी इंद्रियों के संतुलन की प्राकृतिक चेतना को बरकरार रखता है। दोस्तों क्या होता है, दोस्तों जब आप नंगे पैर चलते हो तो शरीर में प्राकृतिक रूप से ऊर्जा बनी रहती है और इससे शरीर के अंग अधिक सक्रिय, सुडोल और उपयोगी बने रहते हैं। इसके अलावा रक्त संचार भी बेहतर होता है। अगर आप नंगे पांव चलते हैं उससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, साथ ही साथ तनाव, हाइपरटेंशन, जोड़ों में दर्द, नींद न आना, हृदय संबंधी समस्या, आर्थराइटिस, अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्याएं भी समाप्त होती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अगर आपकी आंखों में चश्मा लगा है तो उसके लिए भी बेहद फायदेमंद है नंगे पांव चलना। सुबह के समय हरी घास के ऊपर जो हरी ध्रुव होती है उसके ऊपर अगर आप 15 मिनट भी टहलते हो दोस्तों तो आपकी आंखों का चश्मा उतर जाता है। तो ये है नंगे पांव चलने के फायदे। तो अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, प्रकृति के कांटेक्ट में रहना चाहते हो, अपने हर एक भाग को सक्रिय रखना चाहते हो दोस्तों, तो अपनी इस व्यवस्था वाले दिन में सिर्फ अपने लिए 15 मिनट निकाल लें जिसमें आप नंगे पांव चलें। नंगे पांव चलने से आपको कई तरह की बीमारियां दूर होंगी, तनाव दूर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। धन्यवाद।